सन 1953 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों ने जीवन का रहस्य खोजा था। नेचर पत्रिका में छपे एक लेख में जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिसी क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या की थी। वर्ष 1962 में इस खोज के लिए वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 1980 में अमेरिकी सेना का तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बंधकों को छुड़ाने का प्रयास विफल हुआ था। एक अति गोपनीय अभियान था जिसके दौरान 8 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। दरअसल 53 अमेरिकी नागरिकों को ईरानी क्रांतिकारियों ने अमेरिकी दूतावास में बंधक बना लिया था। सन 1983 में जर्मन पत्रिका स्टर्न ने हिटलर की विवादास्पद डायरी की पहली किस्त छापी थी। डायरी को लेकर उस समय हंगामा हुआ जब लॉर्ड डेकर ने पत्रिका की ओर से बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में डायरी की प्रमाणिकता पर दोबारा विचार करने की बात कही और कुछ दिन बाद खुलासा हुआ कि यह डायरी हिटलर ने नहीं लिखी है। सन 1904 में हिंदी साहित्यकार चंद्रबली पांडे का जन्म हुआ था। चंद्रबली पांडे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहने के अलावा नागरी प्रचारणी सभा के भी सभापति रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन और हिंदी प्रचार के लिए समर्पित किया था। सन 2000 में बॉलीवुड के मशहूर पटकथा, संवाद और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का निधन हुआ था। मुखराम शर्मा ने वचन, घराना, धूल का फूल, दादी माँ, संतान, पतंगा, एक ही रास्ता, राजा और रंग आदि फिल्मों की पटकथा लिखी थी। मुखराम शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।